जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गौरी गोपाल आश्रम, जो कि अनिरुद्ध जी ने बनाया है, जो कि अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा रचित है। वैसे तो आपने इनके बारे में खूब ही सुना होगा कि अनिरुद्ध जी कितनी सारी वृद्धाओं महिलाओं के लिए कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज हम देख ही लेते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी की वृद्धा महिलाओं के ऊपर कितनी ज़्यादा कृपा है। सो गाइज, आप यहाँ जैसे ही एंटर होंगे यहाँ पे आपको शू रेक मिल जाएगी, आप यहाँ पे अपने जूते अच्छे से रख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दो बिल्डिंग हैं, एक साइड है वृद्धाओं माताओं का और नीचे तलघर में है वहाँ आपको भोजनालय है, और उसके साइड में है जहाँ पे अनिरुद्ध जी कथा करवाते हैं। चलिए आइए हम भोजनालय से शुरू करते हैं। जैसे ही आप भोजनालय में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आप अनलिमिटेड फ्री में खाना खा सकते हैं। आप यहाँ कितना भी खाना खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कोई रोक टोक नहीं है, आप दो तीन बार भी लेके खा सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे बैठ के भी खा सकते हैं और साइड में डाइनिंग एरिया है, आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 11 के दिन पहुँचे थे तो यहाँ पे फलहार वाला प्रसाद मिल रहा था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी प्रसाद था। इसमें थे आलू के वड़े और आलू का चोखा। यहाँ पे हर 11 पे उपवास का आइटम मिलता है और बाकी के दिन आपको यहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल जैसी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे खाना 3 बार आपको मिलता है, सुबह दोपहर शाम, और ये दिन भर के लिए चालू रहता है, आप खाना कभी भी खा पी सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग सब खाना ले लेते हैं, खाना लेके ही फिर बैठते हैं, सुकून से वहाँ पे खाना खाते हैं। और यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालुएं लोग आते हैं जो वृंदावन में घूमने जाते हैं ना, यहाँ पे आप पेट भर के खाना खाइए, भोजन ग्रहण करिए। और आप जब भी आए, जितने भी टाइम आए आप, मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ आइए, प्रसाद ग्रहण करिए और खाना खाइए। फिर हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद बज जाते हैं 2, तो 2 बजे अनिरुद्ध जी की कथा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कथा सुनने लगते हैं। यहाँ पे आप आके सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जो कथा चल रही है, कथा के जस्ट पीछे साइड एक कार्यालय बना है, अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है वृद्धाओं महिलाओं से मिलने की, पर उससे पहले हमारे सामने यहाँ राधा कृष्ण जी दिख जाते हैं, तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। आइए अनिरुद्ध जी आचार्य के मंदिर की झलक देखते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं बेहद ही सुंदर राधा और कृष्ण की मूर्ति इतनी अच्छी बनी हुई होती है। यहाँ हम बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, अनिरुद्ध जी की फ़ोटोज़ देखते हैं, और यहाँ उनने कैसा सिस्टम बना रखा है। यहाँ पे आप बैठ के आप किताब वगैरह भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से किताबें खरीद के भी ले जा सकते हैं और प्रसाद भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समय बिता लेते हैं और इसके बाद फिर टाइम आ जाता है हमें वृद्धाओं महिलाओं से मिलने जाने का। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों के दर्शन कर लिए, अब आते हैं माताओं से मिलने का समय। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एकदम 5-स्टार होटल की तरह उन्होंने यहाँ पे रूम्स बनाए हुए हैं, और जो कि एक रूम में 2 या 3 माताएं होती हैं या किसी रूम में ज़्यादा या कम हो जाती हैं। यहाँ पे उनको चाय का, दवाई का, सब चीज़ का साधन होता है। यहाँ पे टीवी लगी होती है, यहाँ पे वो अनिरुद्ध जी की कथा भी सुनती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम मिले थे एक माता जी से, तो मैं एक कान के पहनी थी तो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने काफ़ी समय उनसे बात की, हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, और इसके बाद यहाँ पे उनके रूम्स वगैरह देखे, और यहाँ पे फुल्ली 5-स्टार जैसा फील आ रहा था और दिल को सुकून मिल रहा था। ये उनकी बालकनी है। यहाँ पे दोस्तों सारे दर्शन हो चुके हैं अनिरुद्ध जी के आश्रम के, अब इसके बाद हम शॉपिंग करते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। राधे।